मैं तो सोया चाप और गाजर लाना ही भूल गई। साइकिल चाहिए, मुझे लेकर दो। ठीक है बेटा, जिद मत करो, दिला दूंगी। कौन सी वाली चाहिए बताओ? वो वाली। अब मैं क्या करूं? अरे नहीं, ये क्या हुआ? सोया सॉस भी खत्म हो गया है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। चलो शिनचैन, घर चलो। देखो हुआ, आज तो खाने में मजा ही नहीं आएगा। शिनचैन, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मम्मी पापा, अरे हाँ, मैं शिनचैन को बाजार भेज सकती हूँ। वो इससे पहले कभी बाजार नहीं गया है, उसको तो वाकई बहुत मजा आएगा। पापा का कहना मानते हैं। चलो घर चलो अब। मेरा कहना मान भी जाओ अब। चलो घर चलो। सुनिए मोम। अच्छा शिनचैन। क्या बात है मोम? जरा इधर आना। अभी नहीं आ सकता हूँ, मैं अभी बिजी। क्या तुम अपनी मॉम की बात नहीं मानोगे? मॉम, मुझे ये ट्राईसाइकिल दिला दीजिए ना प्लीज। मैं तुम्हें ये ट्राईसाइकिल नहीं दिला सकती। मुझे इसे किसी भी तरह बाजार जाने के लिए राजी करना ही होगा। क्या तुम बिजी हो? दिल पे हो तो भी नहीं। ठीक है शिनचैन, ठीक है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। तो आगे। अरे वाह, देख लीजिए ना। ये भी ना। मैं तो इसे समझा कर थक गई हूँ। ओफो, शिनचैन ने जिद की और मुझे इसे ये ट्राईसाइकिल दिलवानी ही पड़ी। अब ये सारा दिन इस पर खेलेगा। अब बिजी हूँ मॉम। हाँ थोड़ा सा बिजी हूँ। इसमें तो स्टेपनी है ही नहीं मॉम। शिनचैन, ये क्या कह रहे हो तुम? इन ट्राइंग पर क्या तुम बाजार जा सकते हो? आज तुम्हारे पापा के कुछ खास दोस्त आ रहे हैं खाने पर, इसलिए मैं इनके लिए खाना बना रही हूँ। और इस वजह से मैं बाजार नहीं जा पाऊंगी। इस साइकिल में स्टेपनी होती ही नहीं है, समझे? शायद ये सेकंड हैंड है। नहीं, ये एकदम नई है। आपको कैसे पता? ओफो, तुम्हारे सामने ही तो खरीदी है ये। तुम इसलिए शिनचैन, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। क्या तुम बाजार जाकर थोड़ा सामान ला सकते हो? तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें ये ट्राईसाइकिल लेकर दी, अब तुम इसमें कमियां निकाल रहे हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी, ठीक है, समझ गया, अपने साथ शॉपिंग पर लेकर नहीं जाऊंगी। बहुत परेशान करते हो तुम। ये मैंने अभी क्या कहा? पेरेंट्स तो बच्चों के लिए चीजें खरीदते ही रहते हैं। मैंने ऐसे ही अपने बेटे का दिल दुखा दिया। शिनचैन बेटा, इधर चाबी के लिए तो जगह ही नहीं है। और इस, अरे तुम्हें मालूम भी है कि क्या लेकर आना है? पता है मॉम, जूस और चॉकलेट चिप्स बाजार से लेके आने हैं। नहीं, ध्यान से सुनो, तुम्हें लेकर आना है सोया चाप और गाजर। मॉम रुकिए तो सही, मुझे डोट निकल लेने दीजिए ना। अरे बेटा डोट नहीं, नोट करना, समझे तुम? का स्टैंड भी गायब है मॉम। तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार। ठीक है, यहाँ मत चलाओ, पार्क में जाकर चलाओ। ठीक है। शिनचैन, अरे तुम बाएं हाथ से कब से लिखने लगे? अरे मुझे तो इस हाथ से लिखना था। ठीक है, अब सबसे पहले लिखो सोया चाप। सी कैसे लिखा जाता है? सोया चाप सी से शुरू नहीं होता। शिनचैन, लाओ मैं लिख देती हूँ। सोया चाप, गाजर। तुम हंस क्यों रहे हो? मॉम, आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी? तुम पार्क में जाकर क्यों नहीं खेलते? राइटिंग देख के लगता है जैसे कोई कछुआ लिख रहा है। देखो सड़क पर खतरा होता है, मैं भी तुम्हारे साथ पार्क में चलती हूँ। ठीक है शिनचैन, मैंने सब कुछ लिख दिया, तुम जल्दी आना। शिनचैन ऐसे मत चलाओ, खतरा हो सकता है।
गुड मॉर्निंग अंकल। रुक जाओ। अरे ये क्या, आप देख कर चला। गुड मॉर्निंग, कितना प्यारा बच्चा है। मुझे सोया जाप चाहिए। करो। शिनचैन रुक जाओ, आगे खत्ता है। हमारे यहाँ सोया चाप नहीं मिलती बेटे। अच्छा तो फिर बटर दे दीजिए। अरे रुको, सुनो तो, मेरी बात तो सुनो शिनचैन। हम बटर भी नहीं रखते बेटे। तो फिर सोया सॉस तो होगा ना? नहीं, सोया सॉस भी नहीं। रुको, अरे रुक जाओ, आगे खतरा है। लगता है इस दुकान में कुछ भी नहीं मिलता। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि ये मछली की दुकान है? शिनचैन रुक जाओ, आगे खतरा हो सकता है। क्या चाहिए बेटे? मुझे सोया चाप चाहिए। शिनचैन संभल कर। ये लेकिन तुम्हें कितना चाहिए ये तो बताओ। आप मुझे 2-3 पीस दे दीजिए। रुको, सुनो। क्या मॉम ने नहीं बताया कितनी सोया चाप लेकर आ रही है? मॉम ने तो नहीं बताया। लगता है वो उसमें ब्रेक लगाना भूल गए। अरे पता नहीं ये साइकिल कहाँ चलू। नहीं आता है। समझ नहीं आता कि क्या करूं। ऐसा करे बेटा, तुम्हारे घर पर फोन करके पूछे। तुम्हें याद आ गया ना? बताओ कितनी।